बात कहना चाह रहा था कि देश में दो तरह के कानून चल रहे हैं अभी। कुछ लोग जीके से जामिया तक रैली करते हैं, नारे लगाते हैं देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, और पुलिस उन्हें कुछ नहीं करती है। वो जामिया आते हैं जहाँ पे पहले ही दो बार गोली चल चुकी थी, जो सेंसिटिव एरिया चल रहा था, वहाँ आकर एक कन्फ्रंटेशन करते हैं। अगर जामिया से उस टाइम कुछ हो जाता तो दंगे फसाद का एक सीन बन जाता। वहीं जामिया के लड़के जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आज़ादी की बात कर रहे हैं, निहत्ते बिना किसी को गाली गलौज देते हुए जामिया से पार्लियामेंट, जामिया से गांधी जयंती के दिन राजघाट जाने की बात करते हैं, उन्हें पुलिस बैरिकेड पर रोक देती है और लाठीचार्ज करती है उन पर। मैं पूछना चाहूँगा, क्या देश में दो कानून चल रहे हैं, एक संघियों के लिए और एक हमारे लिए? क्या वही पुलिस उन्हें मार्च करने की आज़ादी देती है रोड पर और वही पुलिस हमें रोक रही है? आज शाहीनबाग के लोग, होम मिनिस्टर ने खुद कहा कि 3 दिन में आके बात कर लो, वो होम मिनिस्टर जिसको खुद प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, हमने तो कभी बात ही नहीं की, वो होम मिनिस्टर कहता है 3 दिन में बात कर लो, हम इतने बड़े दिन वाले, हम कहते हैं हम आएंगे बात करने, और फिर वही होम मिनिस्टर अपनी संघाई संघी पुलिस को बैरिकेड पे खड़ा कर देता है कि नहीं तुम नहीं जाओगे। तो ये समझना पड़ेगा कि वो होम मिनिस्टर ये बात बोल क्यों रहा था कि 3 दिन में आके बात कर लो। वो स्टेज पर बैठा था एक कॉन्क्लेव के, सामने बैठी थी इंडस्ट्री, ये इतने बड़े कायर लोग हैं कि गांधी का नाम लेकर राजनीति करते हैं और दिल में इनके गोडसे हैं। आरएसएस के लोग जब इंटरनेशनल स्टेज पे जहाँ इंडस्ट्री के सामने बैठते हैं तो गांधी का नाम लेते हैं, कहते हैं हम लोगों से बात करेंगे, हम ये करेंगे और वो करेंगे, और जैसे ही कैमरा हटता है लोग हटते हैं, ये गोडसे की बात करते हैं। इनकी राजनीति इनके दिल में गोडसे ही है और कोई नहीं है। 36 दिन हो गए आज जेएनयू के कांड को, क्या एक भी गिरफ्तारी हुई? वो कोमल शर्मा यही दिल्ली की रहने वाली है, क्या उसके घर पर एक बार भी रेड हुई? क्या ये पुलिस जाके चेक भी कर रही है कि वो घर कहीं घर पे ही तो नहीं बैठी है? वो घर से ज़्यादा सुरक्षित जगह क्या हो सकती है उसके लिए? क्योंकि वो कोमल शर्मा है, वो नहीं पकड़ी जाएगी। यही वो कफील खान होती तो 50 से ज़्यादा कैंप लगाने के बाद भी उस पर NSA लगाया जाता, उसे 72 घंटे तक जमानत मिलने के बाद भी जेल में रखा जाता। ये विच हंटिंग नहीं है तो क्या है बताया जाए? अच्छा, अभी जामिया की एक CCTV फुटेज निकली है, उसके अभी तक तकरीबन 2 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन कोई भी पुलिस के ऊपर ना तो FIR हुई है और कोई लीगल एक्शन अभी ना तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जामिया की तरफ से कोई लिया गया है, ना जो दिल्ली पुलिस है, जो HM है हमारे, उनकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो देखिए, यही होना है और यही होता रहा है। पहले ये छोटे मोटे स्तर पर होता था, आज ये बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर हो रहा है। पहले भी दलितों को नीचे झुकाया जाता था, मुसलमानों को, सिखों को ज़बरदस्ती केसों में फंसा के 20 साल 22 साल जेलों में बंद किया जाता था। आज जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन बिका हुआ है, इसीलिए जामिया के बच्चे रोड पर बैठे हैं। अगर हमें भरोसा होता अपनी VC पर, अपने रजिस्ट्रार पर, तो हम उनके थ्रू काम करते। हम रोड पर बैठे हैं, शाहीनबाग रोड पर बैठा है, क्योंकि हमें इन पर भरोसा नहीं है। पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि टीयर गैस का धुआं अंदर चला गया होगा, शेल अंदर चली गई, कोई बंदा अंदर नहीं गया था, जो कि हमने अपनी आंखों से देखा था, आज वो कैमरा प्रूफ देता है। आज पुलिस कमिश्नर को आकर रोड पर इस्तीफा दे देना चाहिए और उन सब की पहचान होनी चाहिए जो लोग वहाँ उस दिन जामिया में लड़कियों पर, पढ़ने लिखने वाले लड़कों पर, इवन प्रोटेस्टर्स पर लाठी चला रहे थे। क्यों लाठी चलेगी भाई? वो अपनी बात तो रख रहे हैं। क्या इस देश में अपनी बात रखना भी गलत है? क्या सिर्फ देश के गद्दारों को गोली मारो सालों का नारा लगाना सही है? हम भी लगाएंगे फिर वो नारा, अगर सरकार आगे बोल दे कि वो नारा लगाना सही है। सिर्फ यही बात अगर चलेगी तो सब वायलेंस ही हो फिर रोड पर। क्या वायलेंस को सरकार बढ़ावा दे रही है और संविधान बचाने वाले लड़कों पे लाठी चार्ज करेगी वो? मैं इस 30 तारीख को, जिस दिन गांधी जी को गोली मारी गई थी, 30 जनवरी के दिन, मैंने ब्लड बैंक की 2 गाड़ियाँ बुक की थी, एक शाहीनबाग लेके जानी थी, एक ईदगाह पे। गाड़ी भी बुक हो गई थी, 10 डॉक्टरों ने जाना था, ब्लड बैंक ब्लड का कैंप ने लगाना था। मैंने बिल्कुल जिस दिन कैंप की बात हुई थी 30 तारीख से, एक दिन पहले रात को 11:30 बजे मेरे को फ़ोन आता है कि आपको हमें परमिशन नहीं दे रही पुलिस, हम नहीं लगा सकते कैंप वहाँ पर। तो आप सोचिए कि दूसरे दिन फिर वहीं पर गोली चलती है, हमें ब्लड बैंक नहीं लगाने दिया जा रहा है, जो कि हमने खून देना था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने वहाँ पर आना था, हमें खून देने की इजाज़त नहीं, खून बहाने की इजाज़त वहाँ पर देती है, आके गोली चला के जा रहा है कमलगट्टा में, बता रहा हूँ आपको। तो ये क्या कानून है? ये अंधा कानून है देश का, ये कौन करा रहा है? ठीक है, जिसको भेजा आपने गोली चलाने के लिए, उसके दिमाग में आप जहर भर के भेज दिया आपने, लेकिन अपने बेटे को भेजो, उसको तो आपने BCCI का चेयरमैन बना दिया, उसको कभी भेजो ऐसे करके गोली चलाने के लिए, तब तो मैं मानूँ। तो ये आप तो अपने अपने गद्दियाँ संभाल रहे हो, अपने बेटों को, बच्चों को आप विदेशों में भेज रहे हो, यहाँ के बच्चों के दिमाग में जहर भर दिया है। और जो बाकी रही सवाल, ये जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, ये नीचे वाले जो तबके वाले हैं, इनके ऊपर में बड़ा अत्याचार होगा, ये जाग नहीं रहे हैं, इनको धर्म की राजनीति से
ऐसे करके इनको दिमाग में एक भर के रख दिया गया है कि इस तरह से कि ये बच्चे जो हैं जो एक अभी अपने धर्म के आड़ में ही रह करके तो अपने जो इनके जो राइट्स हैं उनको वो भूल जा रहे हैं। जो एक टाइम आएगा इनके राइट्स जब चले जाएंगे, जैसे कि असम में हुआ लगभग 15 लाख शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब वाले OBC वाले उनकी वो चलेगी, नागरिकता चली गई। अभी पूरे देश में जब इनकी नागरिकता जाएगी तब ये जागेंगे। लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा आज के दिन देख करके कि ये OBC वाले यहाँ पर एक जागृति आई है देश के अंदर में। ये जागृति आस्ते आस्ते और बढ़ेगी, जैसे जैसे बच्चों को सबको पता लगेगा जागृति आएगी तो ये जो बैठ के जो कंट्रोल कर रहे हैं ये नागपुर वाले भी हों चाहे जो भी हैं, इनका कंट्रोल आस्ते आस्ते ये चला जाएगा, ये मेरे को यकीन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।